बिहार ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। बिहार से उठी राजनीतिक जो सरगर्मी है वो अब देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई देने लगी है और इसकी तपिश भी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक महीना के लगभग हुए नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आए और एनडीए से बाहर आने के साथ ही उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला शुरू कर दिया। हमले के कई कारण थे, कहा यहाँ तक जाने लगा कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरुद्ध साजिश की थी जिससे कि उनकी सीटें कम हो जाएं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र में लगी हुई थी कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ लिया जाए। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के 7 दलों के साथ महागठबंधन बनाने के बाद, चूँकि महागठबंधन में पहले से ही 5 दल थे, नीतीश कुमार के साथ जब हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और जदयू शामिल हुई तो 7 दल हो गए और इन 7 दलों के साथ नीतीश कुमार ने महागठबंधन बना के बिहार की जो सत्ता है उसमें सरकार बनाई और मुखिया बने। इसके साथ ही बहुत लंबे समय से इंतजार था जनता दल के यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का कि वो देश भर में एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा हों और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दें। वो भी मकसद धीरे धीरे अब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी इतना आसानी से सब कुछ होने नहीं देगी, ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि जो सत्ता में रही है दल, वो अक्सर अपने विरोधियों को कमज़ोर करने की कोशिश करती रही है, चाहे उसके लिए जो भी तरीका उसे अपनाना पड़े। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिल्कुल अलग थलग हो गई है और नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार देंगे, तो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सजग भी है और सचेत भी। आपको बता दें कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई रणनीतियां और योजनाएं बनाई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अमित शाह का दौरा हुआ था और बदले हुए तेवर में ये दौरा हुआ। उसके बाद से उसके ठीक पहले बता दें आपको कि ये बातें तय की जा रही थी कि विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे। नीतीश कुमार बाहर निकले भी, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है वो चल ही रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए एनडीए में कई दलों को शामिल करने के लिए सीधे ऑफर दे दिया है। एक तरफ जहां चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों दो खेमों में बटे हुए हैं, हालांकि पशुपति कुमार पारस तो एनडीए का हिस्सा हैं। कल तक ये भी कहा जा रहा था कि वो नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए पशुपति कुमार पारस ने अपना एंगल बदल दिया। इस बीच में और भी कई चर्चाएं हुई थी कि पशुपति कुमार पारस के जो साथी सांसद हैं वो जदयू के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इन सब बातों पर विराम लगाते हुए चिराग पासवान को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि चिराग पासवान ने भी ये शर्त रखी है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर करने के बाद ही वो जाएंगे। लेकिन इन सब बातों के से अलग पशुपति कुमार पारस ने जो बयान दिया है, जो इशारा उन्होंने किया है, वो साफ बता रहा है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में सुलह के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिया है। चिराग पासवान को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने अपनी चिंताएं भी जाहिर की और ये भी कहा कि वो मेरे भतीजा है, ये वो कैसे भूल जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान से भी आप लोग पूछिए कि मैं उनका चाचा हूँ या नहीं हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे चौराहे पर खड़े हैं कि दाएं जाएं या बाएं जाएं अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं और यही उनके लिए घातक होने जा रहा है। चिराग पासवान राजनीति में बेहतर विकल्प के साथ अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। 3 दिवसीय जो उनका राजगीर में प्रशिक्षण शिविर चला उसको लेकर के भी वो काफ़ी आशान्वित हैं और उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस इंतज़ार में है कि चिराग पासवान के साथ और भी जो दल हैं जो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है या फिर महागठबंधन में भी हैं, वो दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, जिसके लिए वो ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महागठबंधन में 2024 और 25 में सीटों के लिए समझौते को लेकर के मारामारी चलेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही चारा डाल दिया है। इन सबके साथ पशुपति कुमार पारस को इस काम में लगाया गया है कि वो सभी से बात करके और एनडीए को मजबूत करें। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान के साथ क्या होता है और कब चिराग पासवान इस मामले में
अपनी बात रखते हैं। भीतर की खबर है कि चिराग के साथ और भी कई दलों को ऑफर एनडीए में आने का मिल चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने और एक होने के लिए भी कहा जा रहा है कि भीतरखाने में चर्चा शुरू हो चुकी है और इस पर अमल करने की भी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि इसी महीने की जो दशहरा बीतेगा उसके बाद दुर्गा पूजा के ठीक बाद एक बड़ा आयोजन केंद्र में होने वाला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस विस्तार में कई लोगों को शामिल किया जाएगा जिसमें चिराग पासवान के नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि आपसे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये बात कही कि वो शामिल हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। और लगातार आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं, खास करके अगर चिराग पासवान, कहा जा रहा है जो राजनीतिक जानकार हैं कि चिराग पासवान में राजनीतिक समझ होगी तो वो महागठबंधन के तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि पहले ही वहाँ जबरदस्त मारामारी चल रही है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान देर सवेर कभी भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। समय समय पर चिराग पासवान ने भी सपोर्ट किया है एनडीए का ही। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान को लेकर के जो बातें चर्चाएं चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पहल क्या रंग दिखाती है और बिहार से और कौन कौन दल एनडीए का हिस्सा बनता है जो ये समझता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से उसे फायदा है या घाटा है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहाँ महागठबंधन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से ही आउट करने की बात कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता कि मैं पूरब जाऊं या पश्चिम जाऊं। अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, कहां अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, आप देखें। अरे पार्लियामेंट की कमेटी है हिंदी भाषा समिति, उसकी बैठक हो रही थी, उसमें अमित शाह में भी है, उसमें चिराग पासवान भी है। आज तक भाजपा के किसी बड़े नेता हो या छोटे नेता के मुंह से सुने कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे, लेकिन उनका आदमी अब पोर्टल पर जो न्यूज है उसको रोज दे रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे। आप परसों चिराग पासवान का बयान आया कि मैं मंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। कल उनका बयान आया राजगीर से, मैं अभी किसी से गठबंधन नहीं करूँगा, 24 तक मैं अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करूँगा, 24 में मैं फैसला करूँगा कि मैं इधर हूँ कि उधर हूँ। वो नए एनडीए में है ने महागठबंधन में आने, या एनडीए के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और महागठबंधन के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ नीतीश जी बैठे हुए हैं। अच्छा तो जब एनडीए, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।